पानी लाने को मजबूर है। गर्मी ने एक और जहां तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं पानी के स्रोत भी दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी चिलचिलाती धूप में ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की आ गई है और प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण कोई 3 किलोमीटर तो कोई पहाड़ी से उतरकर नदी नालों में झीरी बनाकर पानी लाने को मजबूर है। बात करें पाटी विकासखंड की तो यहाँ के ग्राम भादल, सेमलट, सागबारा सहित कई ग्रामों की स्थिति ये बनी हुई है। हैंडपंप है, गर्मी का पारा चढ़ते ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण खच्चर पर रखकर तो कोई सर पर रखकर 2 से 4 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि नदी नाले सूख चुके हैं। उन्हें नदी नालों में ग्रामीण झिरी खोदकर पानी का समाधान जुटा रहे हैं। हर बार गर्मी में ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। अभी शुरुआत में ये हाल है तो आगे की समस्या बड़ी हो जाएगी। पानी है नहीं को कुआ में, को कुआ जी इन्हें कुआ है तो यहाँ भी पानी है नहीं। हैंडपंप है, हैंडपंप से पुनाट जा, हैंडपंप बंद हो गया, बंद हो गया। फिर आप कहाँ जाओगे पानी लेने? मोटले खुदरे जाने, झरकड़े खुदरे। कितनी दूर है यहाँ से? 2-3 घंटा। 2-3 घंटे लग जाए आने जाने में? आने जाने 2-3 घंटा ही जाए। घर का काम कैसे करते हो? पानी में ही टाइम खत्म हो जाता तुम्हारा? पानी पानी में टाइम खत्म हो जाए तो कई काम कर लेते। पानी की ऐसी समस्या 2-3 महीने अभी लास्ट में बहुत सारी समस्या है। यहाँ से जाना पड़ता है 1 किलोमीटर जो दूर जाना पड़ता है। सुबह सुबह उठ के 4 बजे से गद्दा भेड़ के गिरना पड़ता है। नर्मदा वाले जाते, झरकन नदी वाले झरकन नदी जाते, गधों पे पानी, गधे पर पानी भर। पिछले साल जैसे सागबारा में 8 पॉइंट लगाए थे हैंडपम्प के, 8 पॉइंट लगाए थे, 8ों में पानी निकला, लेकिन सागबारा में 2 पॉइंट में हैंडपम्प डाले और 6 बंजर पड़े। और भादल में 2 पॉइंट लगाए तो 2 में, 1 में अच्छा पानी है, 1 में 17 पाइप भी उसको बहुत हलाल है कि थक जाते जब पानी आता है। हमको कहीं चाहे कि स्कूल चाहे, रोड चाहे, पानी व्यवस्था चाहे, सब बातें बेला से हमें परेशानी है। हाँ परेशानी है। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी नीचे से लाता है, अभी नल खुला है, बहुत ज़्यादा चाल है, अभी तो खत्म हो जाए। नल बंद हो गया? बंद हो जाए।